बिहार में चुनाव हो रहे हैं और बिहार के चुनाव में इस समय जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए एनडीए और दूसरा गठबंधन दोनों ही बिल्कुल जूझे पड़े हुए हैं, लगे पड़े हुए हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो इस समय साझेदार है सरकार में खूब लगी हुई है और खासतौर से उसके कई मंत्री लगे हुए हैं जो खुद बिहार के रहने वाले हैं, बिहार को समझते हैं, जानते हैं। और हमारे साथ इस समय गिरिराज जी हैं, जो गिरिराज जी जो बहुत वोकल रहे हैं, बहुत स्पष्ट वक्ता रहे हैं और पूरी चीजों को बहुत अच्छे तरीके समझते हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बात करने की सहमति दी। क्या हालत है इस समय एनडीए की बिहार में? देखिए, बिहार में एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी है। 2010 में जो स्थिति थी उससे बेहतर है जी। क्योंकि ये जो मेन अपोजिशन, इसे तो कई पार्टियां खड़ी है जी। कई ग्रुप खड़े हैं, लेकिन महागठबंधन और एनडीए का सीधा मुकाबला है जी। महागठबंधन विकास पर चर्चा नहीं करना चाहती और 15 साल के विकास बनाम 15 साल का विनाश, ये दोनों पर चर्चा के लिए हम एनडीए के लोग तैयार रहते। आज देखिए, बिहार में सड़कें नहीं थी, आप भली भांति आप अवगत हैं, अभी 2500 पुल पुलिये बने हैं जी। बड़े पुल 17 बन गए, कुछ शिलान्यास हुआ, कुछ बन रहे हैं जी। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है जी। जिस बिहार का गरीब अमीर 4 घंटे बिजली आते थे तो वो उसी में आनंदित लेते थे, आज 4 घंटा अगर बिजली कट जाए तो उनको परेशानी हो जाती है जी। जो गरीब किरासन तेल के लिए थक्का खाती थी, वो गरीब आज किरासन तेल के बदले स्विच ऑन करने पर पंखा और रोशनी मिलता है, वो कैसे मोदी को भेजेगा? इसको विकास नहीं कहेंगे तो किसको विकास कहेंगे? जिसके घर नहीं थे घर हैं, जिसके शौचालय नहीं थे शौचालय हैं, जिसके नल जल नहीं थे नल जल हैं। तो उज्ज्वला आज पूरे देश में अगर 9 करोड़ महिलाओं को दिया तो बिहार में भी लगभग 1 करोड़ महिलाओं को दिया जी। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसानों को भी एक तरफ लिया है, उनको 6000 रुपया उनके हाथों में सीधा 100 पैसा जा रहा है। कभी राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा जाता है, आज मोदी कहते हैं कि हम 93,000 करोड़ भेजा तो 93,000 करोड़ गया पाई पाई का। तो एक ये विश्वसनीयता है। अभी देश में 80 करोड़ लोगों को, उससे ऊपर लोगों को 8 महीने का भोजन अनाज दिया जा रहा है। दुनिया का 100 देश है जिसकी आबादी 80 करोड़ से नीचा है और एक भी व्यक्ति इस कोरोना काल में भूख से नहीं मरा भाई साहब जी। जी, तो मोदी को कोई इतना गुडविल है कि उस गुडविल पर नरेंद्र मोदी जी के लिए है ये आपका कहना? देखिए, मोदी मतलब एक ही मोदी है जिसका नाम है नरेंद्र जी। मोदी का मतलब और कोई नहीं जी। जी, मोदी उसी से अंकित होते हैं जी। इसलिए आज गरीबों में अगर आप जाकर के समीक्षा करें, आज गरीब कहता है अपनी भाषा में कि मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे मोदी ने मेरे लिए सब कुछ किया है और मैं मोदी को ही वोट दूंगा। ये देखिएगा, जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा जी, तो मोदी ही यहाँ लीड करेगा और एनडीए की ही सरकार भारी बहुमत से बनेगी।
आप कह रहे हैं कि क्योंकि राज्य का चुनाव है और कह रहे हैं कि आप मोदी ने ही सब कुछ कराया, लेकिन राज्य के चुनाव के में तो जो और नेता भी हैं, जो जिसमें जेडीयू है और भारतीय जनता पार्टी उसके जूनियर पार्टनर है, तो आप पूरी राज्य की सरकार की कार्रवाइयों से संतुष्ट हैं या अभी जो विकास हुआ है उसमें साझा योगदान आप मानते हैं? किस तरीके से आप उसके विकास को किस तरह से देखते हैं? देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। बीच में मैं कुछ सालों तक नहीं था इनके साथ, लेकिन 2005 से लेकर के एनडीए ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया है और भारत का 6 साल में जो मोदी की सरकार है जी, उसने जो वादा किया उससे कहीं ज्यादा बिहार के विकास में जी योगदान दिया। इसीलिए मैं मोदी का नाम ले रहा हूँ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वही लीडर ऑफ एनडीए हैं जी, हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं जी, मुख्यमंत्री वही बनेंगे जी। लेकिन महागठबंधन जवाब नहीं देता आज क्या कारण है कि तेजस्वी यादव पोस्टर पर से लालू जी और राबड़ी जी का फोटो हटा दिया है जी, इसलिए कि वो जंगल राज की याद ना आए। लेकिन आज भेड़िया जैसे शेर का खाल ओढ़ ले जी, एक नए दिन खुल जाता, आज खुल गया। उन्होंने फिर समाज में विद्वेष फैलाने के लिए वही शब्द का प्रयोग किया जो कभी लालू जी करते थे, बूढ़े बाल को साफ करो, उसी ढंग का दूसरे शब्द का प्रयोग किया, गरीबों को लड़ाना। आज उन्होंने फिर माले के साथ गठबंधन किया है जिसके कारण 20 जिले में लगभग किसान और मजदूरों में इतनी खाई हो गई कि कितने लोग अनाथ हो गए जी, जीवन देना पड़ा जी। आज वही माहौल फिर क्रिएट करना चाहते हैं, जुमला पढ़ रहे हैं, जुमला से कुछ नहीं होता। क्या आपको लगता है कि ये अगर इस तरीके से गतिविधियां करेंगे या उससे आपको आशंका लगती है कि नक्सलवाद फैलाने की कोशिश होगी? देखिए, एक अपने गांव की कहावत है कि रोपे बबूल तो आम कहां से हो जी। अभी तक तेजस्वी यादव जी कि ऐसा प्रचार अभियान शुरू किए कि लालू जी का चेहरा किसी के सामने ना आए, माता जी का चेहरा ना आए, जंगल राज की याद ना आए सत्ता के लिए, लेकिन बौखलाहट में उन्होंने बयान दे दिया। आपने बयान सुना होगा जी, आप किस बयान की चर्चा कर रहे हैं? उस बयान की चर्चा जो समाज में विद्वेष फैलाने वाला कि मेरा राज्य था तो गरीब बाबू साहब के आगे, बलवान के आगे सीना तान के चलते थे। आज 15 साल में बड़ी मुश्किल से सामाजिक समरसता बना है जी, फिर से लालू जी के स्टाइल में वो आ गए जी। तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि भैया बताओ तुम्हारा जुमला कहाँ गया रोजगार का? तो मैं जी बोलिए, मैं इसी पे आ रहा था कि तेजस्वी ने जो भीड़ इकट्ठा कर रहे थे वो तो रोजगार के नाम पे कर रहे थे कि 10 लाख रोजगार दूंगा, उनसे ये कोई पूछ नहीं रहा है कि 10 लाख रोजगार भैया लाओगे कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि रोजगार का नारा लोगों को आकर्षित करने में वो सफल हो रहे हैं या लोग असलियत जानते हैं कि रोजगार मिलेगा कैसे, कहाँ से होगा, क्या होगा, इस पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मैं 3 प्रश्न आपके माध्यम से तेजस्वी यादव और आरजेडी से करना चाहता हूँ जी। क्या 15 साल जिस राजनीतिक विरासत आपको मिला जिस पर आप बैठे हैं जी, नकार नहीं सकते, कोई तेजस्वी यादव के खून पसीने से गाढ़ी कमाई से आरजेडी नहीं बना है जी, वो पिताजी के राजनीतिक विरासत पर उन्होंने अपनी नेतागिरी
फहराया है, चमकाया है। तो उन्होंने उनको ये बताना पड़ेगा कि 15 साल में आपने कितना रोजगार आपके पिताजी आरजेडी ने दिया, तो 94,000। अब वर्तमान में आता हूँ, तब मैं भविष्य में आऊंगा। नीतीश कुमार ने 15 साल में 6,97,000, जो सरकारी आंकड़े हैं 7 लाख के चले। अब वर्तमान में 20 महीना तक तेजस्वी यादव रहे डिप्टी सीएम और दर्जनों विभाग दर्जनों मंत्री के नेता बने रहे। वो बताएं 20 महीना में कितना रोजगार दिया और कितने रोजगार का खाका खींचा और मुख्यमंत्री के सामने पेश किया। ये जुमला है कि हम जिस दिन जाएंगे उस दिन एक कलम से 20 लाख रोजगार की बात करेंगे। ये बिहार एक राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व राज्य है, लेकिन लोगों को कभी कभी जुमला सुनने में अच्छा लगता है जी। तो वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से रोजगार देने की बात हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रोजगार उसी तरीके से दिया जाए जैसे लालू यादव जी के जमाने में दिया जाता था, एक नौकरी एक खेत। देखिए, कुछ लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पुराने जमाने में जो अभी तक साथ छोड़कर के आया है, जिसको भी रोजगार दिया, किसी से खेत लिखवाया, किसी से मकान भी लिखवा लिया, क्या क्या नहीं किया। तो जो इनका इतिहास है वो केवल जुमला है, जुमला के सिवा कुछ नहीं। एक क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 3 टर्म से, बल्कि बीच का टर्म अगर कुछ महीनों का छोड़, मतलब वो साझेदार वाला छोड़ भी दिया जाए, जोड़ा रखा जाए, या फिर बाद में मांझी जी को लाया गया बीच में एक जगह से जगह को, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो नीतीश जी के खिलाफ लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट भी है। तो क्या आपको, क्योंकि आप इतने दिन से घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या वो फटीक जो है जो लोगों में उनके प्रति कुछ गुस्सा भी नजर आता है, और उस गुस्से को कैसे आप शांत कर रहे हैं? देखिए, जो लड़का टॉपर होता है परिवार और समाज उससे उम्मीद करता है, और उम्मीदें इतनी अधिक होती है जब उसकी पूर्ति ना हो तो थोड़ा सा मन खींचता है। वही नीतीश कुमार के साथ है। और मैं समझता हूं कि देखिए, बजट कहाँ से कहाँ चला गया, 23,000 से 2,11,000। देखिए, जीडीपी कहाँ से कहाँ चला गया, पर कैपिटा इनकम कहाँ से कहाँ चला गया। तो नीतीश कुमार इस गड्ढे को भरने में काफी समय लगा, अब समय आया है, और जो कुछ खामियां उजागर कर रहे हैं उन खामियों को दूर किया जाएगा। एक युवा जो हैं, अक्सर उनकी सभाओं में बल्कि थोड़ी बहुत उलझन होने लगी है और नौकरी की बात करने लगे हैं, वो कहते हैं क्या नौकरी का 50 साल लगेगा लगने आने में, तो वो सवाल थे कैसे अलायंस आपका निपट रहा है? देखिए, मैं आपसे कहूं, पूरे देश में कितने % सरकारी नौकरी है जी, ये लोगों को समझना पड़ेगा जी। इस सच्चाई को बिना एक्सेप्ट किए हुए 3% से ज्यादा नहीं है पूरे आबादी का, ये भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे। तो इस सच्चाई को बिना कबूल किए हुए अब रोजगार की परिभाषा को बदलना होगा। 1.5 करोड़ बिहार में नीतीश कुमार ने अपने 15 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का 1.2 करोड़। अब जीविका के माध्यम से, जो जीविका का काम बहुत बड़ा हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप उसी को कहते हैं जी।
अब कई ऐसी बातें हैं। तो अब जो हमारा नौकरी जिसको कहते हैं, अगर उन्होंने 3 लाख शिक्षकों को बहाल किया, अभी पूरे देश में कंट्रेक्चुअल शिक्षकों में सबसे अधिक यही वेतन, लेकिन उनके अंदर गुस्सा है, समान काम समान वेतन, सबकी इच्छाएं होती है, उनका भी गलत नहीं है कि मैं मुझे दो, लेकिन समझना पड़ेगा इनको किन परिस्थितियों में दिया गया था। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, सारी चीजों की समझदारी भी बढ़ रही है और समाधान भी हो रहा है। क्या क्योंकि आपका विभाग भी इससे सीधे जुड़ता है, एमएसएमई वाला हिस्सा भी, और नहीं आज एमएसएमई भी जुड़ता है और गाय भैंस भी जुड़ता है, गाय भैंस भी जुड़ता है आपका पूरा, लेकिन उद्योगों को भी लेकर के कहा जा रहा है कि साहब उद्योगों पर उतना काम नहीं हो सका है जितना हो सकता था, बल्कि नीतीश कुमार का तो बिल्कुल सही, मैं इसे कबूलता हूँ कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी, क्योंकि इंडस्ट्री की जमीन हमारे पास, अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 1 एकड़ की कीमत हो जाती है 20 लाख, कहीं 50 लाख, तरह तरह का। अब सरकार एक्वायर करेगी तो हंगामा होगा, जो एंटरप्रेन्योर हैं वो इतने महंगी कीमत की जमीन लेने में अपने को प्रोजेक्ट को वायबल नहीं समझते, तो इस कारण से कई कठिनाइयां आया है। कुछ आईटी सेक्टर के लोग लगे हैं, कुछ छोटे मोटे बड़े साइकिल उद्योग तरह तरह के कुछ लगे हैं, जिसे हम नहीं कहेंगे कि 15 साल की गति है, लेकिन काम हुआ है। लेकिन आपकी समझ से आप कैसे युवाओं को भरोसा दिलाएंगे कि उनको उद्योगों में उद्योग मिलेंगे, काम धंधे के मौके मिलेंगे, कैसे आपका विभाग भी इसमें शामिल है, तो कैसे उसको क्या बताने की कोशिश करेंगे आप, कैसे समझाएंगे? देखिए स्वाभाविक है, हमारे देश के अंदर में जब मेरा बच्चा पैदा लेता है उस दिन से सोचते हैं कि ये बड़ा होगा नौकरी करेगा, मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। अगर सब लोग देश का इसी मेथोलॉजी पर चलेगा, इसी आइडियोलॉजी पर चलेगा, इसी एथिक पर चलेगा, समाज में आज जरूरत है इस परिभाषा को बदलने का। जब हम बदलेंगे, अभी मैं गांव में बैठा हूँ, रिटायर्ड लोग हैं जो बैंक के अधिकारी थे, पता नहीं अपने काल में लोगों को लोन उन दिए कि नहीं दिए, लेकिन अभी मुझे ज्ञान दे रहे हैं कैसे रोजगार दिया जाए। मैं सुन रहा हूँ कुछ कुछ नवयुवक भी हैं जो प्लान बता रहे हैं कि कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अब एक चीज मैं खुल के कह सकता हूँ, अब युवाओं का एक ग्रुप ये समझने लगा है कि एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा नए परिवेश में बदलना होगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई। एक अभी ऐसा लगता है कि क्योंकि विकास की बातें हो रही, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, नीतीश कुमार ने शुरू के चुनाव जो हैं वो लालू यादव के जंगल राज के नाम पर जीते हैं, जिसका मैं खुद गवाह रहा हूं, देखा है, और जंगल राज की बात काफी कुछ आगे आती रही और हर बार जंगल राज का वॉल्यूम बढ़ता रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो आपने शुरू में भी संकेत में कहा है कि इस बार भी चुनाव जो है वो जंगल राज की वापसी का डर लगा करके किया जाएगा, दिखा करके किया जाएगा, या विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? देखिए हमने तो विकास को रखा आगे जी, लेकिन अगर कोई जुमला पढ़ता हो कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो उस जुमले को बताना पड़ेगा कि इतिहास तुम्हारा क्या रहा और वर्तमान 20 महीने में क्या रहा। और ये भी लोगों को, आज जो नौजवान 30 वर्ष का है उसने बिहार को नहीं देखा कि जब घर से निकलते थे तो घर के लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते थे कि लौट के आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या
ये स्थिति की चर्चा करनी होगी। और आज मैं खुल के कह सकता हूं कि तेजस्वी जी के जुबान से सच निकल ही गया, घृणा फैलाने का, समाज को तोड़ने का। महागठबंधन जो बना है माले के साथ बना है, और माले का इतिहास रहा है कि 20 जिलों में खूनी क्रांति खेला। अभी कांग्रेस ने एक टिकट दिया वो दरभंगा जिले के जाली से, जो अपने को जिन्ना का अनुयायी है वो। ये पूरा कुनमा कोई तोड़ने वाला, कोई सामाजिक द्वेष फैलाने वाला, कोई जातीय विद्वेष फैलाने वाला। तो ये बार बार विकास, 15 साल के विकास पर चर्चा किए बगैर क्या किसी ने सोचा था क्या कि बिहार में लोगों को आज हर गलियों में बिजली जल रहा है? मैं जहां घर में बैठा हूं आज सामने गलियों में, 15 साल पहले था क्या इसकी चर्चा होगी कि नहीं होगी? ठीक है, लोगों की उम्मीदें हमसे अधिक होगी, लेकिन बताएंगे कि लालटेन युग में इन्होंने रखा था, थर्मल पावर में 1 किलो वाट नहीं पैदा किया था, कहा था ये हमारा नहीं है, सड़क हम नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरे वोटर सड़क पर नहीं चलते हैं। ऐसे सिद्धांतों को लेकर के चलने वाला, चरवाहा विद्यालय का प्रारूप रखने वाला और भैंस पर उल्टा चढ़ने वाला, ऐसे ऐसे कर्तृत्व करके समाज को किस दिशा में उसे बताना होगा। ये हम डर नहीं दिखाते, वास्तविकता कहते हैं। रामविलास पासवान जी एनडीए के बहुत प्रिय रहे, हमेशा उनके साथ रहे, अंतिम वक्त तक रहे, लेकिन उनके सुपुत्र जो अब एलजेपी के नेतृत्व कर रहे हैं चिराग पासवान, वो एलजेपी एनडीए से बाहर हो गए हैं बिहार में। इसका कितना असर पड़ेगा खासतौर से बिहार में उनका अलग होना, और कितना नुकसान फायदा पहुंचा सकता है एनडीए को, या आपको एनडीए को फायदा पहुंचाएगा वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, उसे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये भाषा राजनीति में शायद कहीं से डायलॉग की तरह है। किसी राज्य की कोई होगा जो कहीं कहा होगा कि मैं सत्ता में आऊंगा तो जेल दूंगा, लेकिन नीतीश कुमार का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक कोई उंगली नहीं उठाया है नीतीश कुमार पर, भ्रष्टाचार। ये कहते, लेकिन जो जिस शब्द का प्रयोग किए हैं वो मेरे समझ से उचित नहीं। जहां तक घटा नफा का है, अगर वो एनडीए में होते तो एलजेपी तो एनडीए की ताकत और अच्छी रहती, नहीं है तो भी ताकत अच्छी है। नहीं, ऐसे मौके पर जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे? क्योंकि आपके तो चरण छूते रहे हैं वो, और आपसे बहुत मतलब। देखिए, अब वो एक दल के नेता हैं, वो कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, लेकिन ये कैसे हनुमान हैं कि मोदी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानूंगा, और ये कहते हैं मैं उनको नहीं कबूलूंगा, तो अपने राम के बात को तो मान नहीं रहे हैं। और मोदी जी और पूरा एनडीए, हम आरजेडी के महागठबंधन के नीति रीति के विरोध, उनके कुरीतियों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, न कांग्रेस के ऊपर, न आरजेडी के ऊपर। तो लोग ये जानना चाहता है कि क्या आप हैं, कैसा हनुमान है,
जो राम तो विरोध कर रहे हैं, आपकी जुबान नहीं खुल रही। इस चुनाव में कांग्रेस और खासतौर से कांग्रेस की क्या गति रहने वाली है, किस क्या समझते हैं कि कांग्रेस कुछ जो स्थितियों में है, जिस फिलहाल की भी जो स्थिति में है, उससे कुछ आगे बढ़ेगी, पीछे रहेगी? देखिए, मैं उस पर इतना ही कहूंगा कि एनडीए 2010 से अधिक सीटों पर आएगी, और महागठबंधन में कौन आगे कौन पीछे आपस में रहेगा ये समय काल परिस्थिति बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप क्या सोचते हैं, कितनी सीटें लेके आएगी? मैं इतना जानता हूं कि 2010 में हमें 91 सीट मिला था, उससे हम अधिक रहे। मतलब अब आप जो है 15 को भुला करके 10 पे आना चाहते हैं। जब मुझे याद है उस दौर में मैं भी था वहां आप लोगों के साथ में, और तब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट अपने साथी जेडीयू से कहीं ज्यादा था। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।